बहनों हमें आज सीखना है दो अक्षर री और औ। अम्मा गांव में सभी लोग दिखाई दिए लेकिन वो सुधा वो दिखाई नहीं दी। अरे वो तो घर में रह रहे हैं ना आजकल। क्यों? अरे बुद्धू ब्याह आया उसका। ब्याह कब? इस दिवाली पे। अरे लिखवाया तो था चिट्ठी में तुझे। फिर तो किसी भी चिट्ठी में उसके ब्याह की बात नहीं थी। अरे हाँ सुधा ही तो लिखे थी चिट्ठी। वो अपने ब्याह की बात कैसे लिखती। कहाँ रही उसकी शादी? यही सुंदरपुर में हो रही है। पर क्या सुना है कि अच्छे लोग ना है वो। तो फिर क्यों हो रही है ये शादी? अरे बेटा अब जबान दे दी है। अम्मा ये जबान देना क्या होता है? इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की को कुएं में धक्का दे दो। अब तो भैया ये सुधा का नसीब है। देख अम्मा ये सब बेकार की बातें हैं। अगर वो लोग अच्छे ना हुए तो मैं ये शादी रुकवा दूंगा। शादी रुकवा देगा किस हक से? कौवे को देखकर औ की मात्रा याद आई ना? आ के डंडे पर रखी हुई कौवे की खुली चोंच औ की मात्रा। और इसके आगे लगाया आ बन गया औ। बहनों आज जो हम अक्षर सीखने जा रहे हैं वो भी तुम्हारा जाना पहचाना है। इस अक्षर का नाम है बड़ा औ। इसको लिखने के लिए वही पहले आधा गोला फिर एक और आधा गोला ऐसे। अब बीच में ये लेटी लकीर खड़ा डंडा एक और खड़ा डंडा और अब बिंदी बिंदी से मिली हुई ये तिरछी लकीर ऐसी ही एक और लकीर ऐसे और अब वही छत वाली लकीर। आओ एक बार फिर देखो। पहले दो आधे गोले ऐसे उसके बाद लेटी लकीर खड़ा डंडा ऊपर दो मात्राएं ऐसे बीच में छत वाली लकीर। ये बन गया अक्षर बड़ा ओ। मेरे ख्याल में समझ आ ही गया होगा। तो अब मैं चलूं फिर मिलूंगी। हाँ अरे जानती हूँ ये सब क्या है। औ ज आ र औजार। मेहनत करने वाले हाथों को अगर औजार मिल जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं। औजार ये है औरत। औ र और त औरत। जानती हो ना औरत के कितने प्यारे रूप होते हैं। बहन का बेटी का और माँ का औरत। और औरत को सबसे ज्यादा प्यार होता है अपनी औलाद से। औ ल आ का डंडा और द औलाद। कितने गुण ये तुमको सुनाए
को स्वर्ग बनाए, औरत की देश को कौमों को बनाए। औरत की माँ है, औरत की बहन है, औरत की बेटी है। वो किसी तरह भी नहीं है मर्दों से कम, औरत ने ही दिया है हम मर्दों को जन्म। अक्षर री शायद सबसे मुश्किल अक्षर है। देखो री का अगला भाग बिल्कुल शेर के जबड़ों जैसा लगता है और पिछला भाग बिल्कुल दुम जैसा। ये है री। इसका पिछला भाग शेर की दुम जैसा और अगला भाग शेर के जबड़े जैसा। शेर देख के डर तो नहीं रही हो ना री? अगला भाग शेर के जबड़ों जैसा और री का पिछला भाग शेर की दुम जैसा। री। पेनु, अब जो हम सीखेंगे वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल है, पर लिखने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये अक्षर है री, लिखें इसे। पहले ये छोटी सी चांद जैसी लकीर, फिर इसकी दुम से मिलाकर एक तिरछी लकीर, अब खड़ा डंडा और अब एक यूं लकीर, हल्की सी बिंदी, फिर इसी से मिलाकर छोटी सी लकीर और अब इससे मिलाकर ये आधा गोला, ये बन गया री और ऊपर वही छत वाली लकीर। ये बन गया अक्षर री। एक बार फिर देखें। पहले चांद जैसी लकीर, फिर ये दुम वाली लकीर, खड़ा डंडा, एक और लकीर, बिंदी लकीर, फिर ये आधा गोला, ऊपर छत वाली लकीर री। बहनों, मेरे जाने के बाद इस अक्षर को बार बार लिखकर दोहराती रहना, ठीक है ना? अच्छा, मैं फिर मिलूंगी। नमस्ते री। ड़ा, ऋण। ऋण कहते हैं कर्जे को, उधार को। देखो, कमला बैंक से ऋण लाई और अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर दिया।
ऋण। हमारे जीवन में औरतों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए नहीं कि वो घर गृहस्थी चलाती है, बल्कि इसलिए भी कि उसमें सहनशीलता है। वो माँ है, बहन है, बेटी है। अब देखिए, एक हमारी बेटी शहर से आई, उसने तो सारे गांव का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक हमारी बेटी सीता, आपकी मौसी, जो इसी गांव की गलियों में पली बढ़ी, उसने प्रेम जैसा बेटा हमें दिया। सच तो यह है कि हमारा जीवन सदा औरत का आभारी रहेगा। अब कुछ ही दिनों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उनमें से दो पंच औरतें हों। अब ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम किस किस को चुनोगी। हमारे गांव से जो भी चुना जाए वो निर्विरोध हो। मैं नहीं चाहता कि चुनावों के नाम पर हमें फूंक पड़े। आके डंडे पर रखी हुई कौवे की खुली चोंच, औ की मात्रा। औ की मात्रा से पहले रख दीजिए अक्षर अ और बन गया अक्षर औ। री, अगला भाग शेर के जबड़ों जैसा और री का पिछला भाग शेर की दुम जैसा। ऋण।